इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। काफ़ी दिनों बाद मैं कोई कंटेंट लेकर आया हूँ, चूँकि गर्मी बहुत थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम चीज़ें वापस कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। तो शुरुआत मैंने फिर से फिज़िक्स से की, क्योंकि फिज़िक्स मेरा मेजर रहा है, और किसी की रिक्वेस्ट थी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी मैं पढ़ा दूँ, जो कि उस प्लेलिस्ट में एक दो चैप्टर छूट गए। तो उससे पहले फिर मैंने सोचा फिर सारे ही पढ़ा देते हैं। तो जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है, जो कि आपको फिज़िक्स की क्लास 9th में मिलेगा, मोशन, हम वो देख लेते हैं। हालांकि ये चैप्टर इतना बेसिक है कि आप कुछ भी चीज़ें इसमें से भूले नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ताकि अगर कोई नया शख्स कई सालों बाद चीज़ें पढ़ रहा हो तो वो भी बड़े आसानी से जल्दी से रिवाइज़ कर सके। और इसमें तीन चीज़ें काम की हैं, पहला फ्री फॉल वाला केस, और दूसरा ग्राफ, जो कि शायद आप भूल गए हो हल्का हल्का सा, और द थर्ड थिंग इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें एकदम बच्चों वाली हैं, हल्का हल्का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब चीज़ें आपको पता है। तो वेलकम टू एकेडमिक विनागी, माय नेम इज़ विनय। मोशन, देखो कोई भी चीज़ चल रही है इधर से उधर, नदी बह रही है, पंछी उड़ रहे हैं, दिस इज मोशन। और फिजिक्स के टर्म्स में इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कोई चीज़ आज यहाँ है, कल यहाँ है, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ, इसी को हम कहते हैं मोशन। किसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा, क्योंकि टाइम तो कभी रुक सकता नहीं, तो टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बदल गई, दिस इज नोन एज मोशन। लेकिन एक दिक्कत आ जाती है कि क्या हो अगर वो बस वाला एग्जाम्पल, कि बस में मैं बैठा हूँ तो बाहर से एक आदमी ने देखा और मुझे देखा, तो उसने कहा कि हाँ ये शख्स, ये विनय जो बस के अंदर बैठा है, बाहर वाले ने देखा, उसने कहा कि मैं मोशन में हूँ क्योंकि बस जा रही थी और बस आगे चली गई, लेकिन जो मेरे पीछे जो लड़का बैठा था उसने देखा, मुझे ही देखा, तो उसने कहा कि नहीं, विनय मोशन में नहीं है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो मैं कहीं मूव ही नहीं कर रहा हूँ, उसके और मेरे बीच जो फासला था वो बरकरार है, लेकिन बाहर जो शख्स मुझे देख रहा था, मुझे निहार रहा था, मुझे जानना चाहता था, उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में था। तो यानी कि हमें एक और चीज़ इसमें ऐड करनी पड़ती है, विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, जिसको हमने प्यार से कहा रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। तो मोशन क्या है, चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फिजिक्स के टर्म्स में इन डेफिनेशंस को हम ऐसे लिखते हैं। और इसी में एक और चीज आपको एडिशन करना पड़ेगा, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब मोशन ये दो तरीके के होंगे बेसिकली। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, एज द नेम सजेस्ट, बॉडी स्ट्रेट मूव करेगी। एक सर्कुलर मोशन होगा, जो कि नाम से पता चल रहा है कि बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगी। लेकिन अगर हम इसे एक ब्रॉडर उसमें देखें, 11th 12th की फिजिक्स का है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में आप पाओगे कि जब मोशन हम पढ़ते हैं वहाँ उसका क्लासिफिकेशन अलग होता है। जैसे पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं और एक कर्वी लीनियर पढ़ते हैं। कर्वी लीनियर मतलब कोई भी कर्व में मोशन हो रही हो, ये लो। अब ये सर्कुलर मोशन तो कहलाएगा नहीं, सर्कुलर मोशन इसके अंदर आएगा, यानी कर्वी लीनियर के अंदर आएगा। और रेक्टिलिनियर में तीन तरह के मोशन हो जाएंगे, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल और एक जनरल, मतलब जैसे पहिया घूम रही हो, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी। लेकिन वो सारी मैकेनिक्स का पार्ट हो जाती है, तो ये अभी हमें देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स के कई बार क्वेश्चन NDA में आ जाते हैं और CDS में अभी देखा मैंने। तो रोटेशनल मैकेनिक्स का एक छोटा सा 15-20 मिनट का मैं लेक्चर समझा दूंगा, मतलब रिवाइज करा दूंगा, या शायद समझा दूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है सभी को पता है, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वो नंबर वाला पार्ट है, इट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल 5 kg, ये जो यूनिट है, ये तो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं प्यार से। 5 किलोमीटर दौड़ो, 5 इज योर मैग्नीट्यूड। बहुत ही छोटी छोटी बातें। फिर वही बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ये आपको पता है, ये मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बता ही देता हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप 9th में, नहीं नहीं ऐसा नहीं मानना चाहिए मेरे को। अरे यार स्टॉप वॉच नहीं ऑन है मेरे, पता कैसे चलेगा। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है कि जो भी आप फिजिकल दूरी तय करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जो भी आप कवर करेंगे, जैसे आप यहाँ से गए ए, ए से आप गए बी, बी से आप गए सी, और
सी से मान लेते हैं आप वापस आ गए बी तक, तो ए से बी, बी से देन सी, सी से देन बी, ये मान लो 20 है, ये मान लो 80 है, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 प्लस 80, यहाँ मेरा चेहरा आ रहा होगा, अगर तुम होते तो 20 प्लस 80 प्लस 80, है ना, जो भी आपने कवर किया ओवरऑल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जो इनिशियल पोजीशन है और जहां आप फाइनली आके रुके उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 20, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो यानी कि अब ये बात तय है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, यहाँ से यहाँ गए, ये बचपन में हम लोग कहते थे स्कूल से घर गए और यहाँ तक ये डिस्टेंस था, और जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यानी इस इनिशियल और इस फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक किसी फिक्स डायरेक्शन में ही तो आएगा, एक ही बन सकता है, डिस्टेंस कई हो सकते हैं, ऐसे चले जाओ, घूम के चले जाओ, चढ़ के चले जाओ, किसी के घर से गुजरते हुए चले जाओ, या जाओ ही मत, ठीक है। डिस्टेंस तो हम कई तरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही होगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में एक ही वैल्यू मिलेगी, तो यानी कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो ये बात हो गई इसकी, ये वाला बता ही दिया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि डिस्टेंस कुछ वैल्यू हो 10 मीटर 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जीरो? जी हाँ बिल्कुल, ये पॉसिबल है। कैसे, आप यहाँ से चले यहीं वापस आ गए, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, x आपने चला x वापस आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि आपका इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, जो कि यहाँ है ही नहीं। तो यस इट इज पॉसिबल द डिस्टेंस इज एक्स बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दो डिवाइस का यहाँ जिक्र आता है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। एज द नेम सजेस्ट, स्पीडोमीटर क्या बताएगा आपको, स्पीड बताएगा, जो कि गाड़ी में लगा होता है, बाइक में ऐसे लगा होता है, शायद कार में भी होता हो, कार अभी हम लोगों को पता नहीं है ज़्यादा, वो तो विश लिस्ट में ही है, बाइक में होता है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का वो होता है इकोनॉमी वाला, इतने में चलना। और ओडोमीटर बताता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है इस गाड़ी में, शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, पूछते नहीं कि भाई कितनी गाड़ी चल चुकी है, जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं कॉलेज जाते हैं तो हम पता करते हैं कि आखिर कितनी चल चुकी है ये गाड़ी। तो अगर कोई न्यूमेरिकल इस पर देना हो, हालांकि कम देगा, तो मान लो अभी इस ओडोमीटर दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, और आप अच्छा ये पहली बार मैंने देखा था गांव में, एक बार हम लोग बारात जा रहे थे तो गाड़ी वाले ने देखा कि अभी कितना है इतना, फिर बारात से जब लौट आए तो कितना है 2800 किलोमीटर, तो फिर पता चला कि अच्छा ये रही दूरी और इतना पेट्रोल का पैसा हमें दो, तो यानी कि डिस्टेंस कितना कवर हो गया आप माइनस कर लेना, ये छोटी चीज़ें थी। स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा, ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताएगा, सुबह निकल जाओ शाम को आओ देखना कितना हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बटन भी होती है किसी किसी में, मेरे बाइक में है वो, रीसेट करने के लिए, रीसेट भी हो जाता है कई बार, मतलब फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, ओवरऑल तो वो ओडोमीटर बताए गए। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि ये इंग्लिश ही बता रही है कि मोशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, और अगर ऐसा ना हो तो इसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि पहले 5 मीटर वो एक सेकंड में करता था, अगला 5 मीटर कवर भी वो एक सेकंड में कर रहा है, अगला 5 मीटर कवर वो फिर से एक सेकंड में ही कर रहा है, तो ये जो मोशन है ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, और अगर ऐसा ना हो नॉन यूनिफॉर्म। मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट क्वांटिटी बनाई गई, पहली है स्पीड, फॉर्मूला आपको दिख रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपको ध्यान रखना है, जहां जहां भी वेलोसिटी आए तो वेलोसिटी का साथ ही डिस्प्लेसमेंट यूज करना और स्पीड का साथ ही डिस्टेंस यूज करना। स्पीड और वेलोसिटी आपको पता ही है, यूनिट आपको पता ही है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब कई बार स्टाइल से हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एम एस माइनस वन, बचपन में मैं कंफ्यूज होता था कि ये क्या है, तो जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स में सिंपल, 1/s को हम एस माइनस वन लिख सकते हैं, 1/s देखो किसी को लैपलास याद आ रहा होगा, लैपलास ऑफ 1/s इज,
एस की पावर एन प्लस वन अपॉन, भूल गया हूँ मैं, यानी वन बाय एस, इसको हम एस माइनस टू लिख सकते हैं, है ना। तो मीटर पर सेकंड को एस नीचे था, उसको हमने एस माइनस में लिख दिया, ऐसा हम कई बार लिखते हैं। और वेलोसिटी आपको पता ही है, वेलोसिटी का मतलब है जो स्पीड है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। फिर से वही बात, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है, यानी कोई चीज़ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन यार इसका यूज़ पता है ज़्यादा कब आता, अभी तो कम आएगा। वेक्टर का यूज़ तब आ जाता है जब हम उस मोशन में बात करते हैं, एक्स और वाई में ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें बताना पड़ता है कि भाई ये पोजीशन क्या है इसकी, 2i प्लस 3j प्लस 5k, है ना। तब हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी कि हाँ ये डायरेक्शन है, ऐसे गया होगा। अभी 9 इस लेवल तक बिल्कुल कहीं ऐसा कोई टफ चीज़ काम नहीं आने वाली, यानी स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। और फॉर्मूला ध्यान रखना, वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो दो छोटे छोटे फॉर्मूले, लेकिन इसके लिए कुछ याद नहीं करना है, ये तो सिंपल चीज़ है ना। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका कोई और फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये नीट में एक कोई क्वेश्चन आया था फिजिक्स में ही, दो साल पहले, बहुत ही ईजी, और उसमें मेरी बहन कर नहीं पाई एवरेज स्पीड, बोली भैया फॉर्मूला ही नहीं आता, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे याद किया हुआ था फॉर्मूला, एस वन प्लस एस टू अपॉन एस वन इंटू एस टू, मतलब अगर दो स्पीड गिवेन हो तो ये एवरेज स्पीड, तीन स्पीड गिवेन हो तो ये एवरेज स्पीड, ऐसा करना ही क्यों है, ऐसा याद ही क्यों करना है, कॉम्प्लिकेशन लाने ही क्यों है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेना। जब एवरेज वेलोसिटी हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर लेना, क्यों याद करना है चार फॉर्मूले। जैसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कि यहाँ से यहाँ चला तो 15 की स्पीड से चला, यहाँ से यहाँ चला तो 20 की स्पीड से चला, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो 15 प्लस 20 बाय 2 मत कर देना, पहले ये जो डिस्टेंस है निकाल लेना, टोटल डिस्टेंस लेना, टोटल टाइम निकाल लेना, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, और वेलोसिटी के टर्म में यही काम, डिस्प्लेसमेंट कर देना, ठीक। अब आता है पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद आप भूल चुके हो, जो आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी कब बदलेगी, कब हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी तब चेंज होगी या तो स्पीड चेंज हो जाए, है ना, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो बोथ चेंज हो जाए। अगर पहले 10 की स्पीड से थी फिर 5 की स्पीड से हो गई तो हम कहेंगे हाँ भाई वेलोसिटी तो चेंज हो रही, पहले इधर जा रही थी इधर जाने लगी तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो गया, अगेन वेलोसिटी चेंज हो गई। इसी का लास्ट में जब हम देखेंगे यूनिफॉर्म वाला केस, यूनिफॉर्म सर्कुलर वाला केस, कि भाई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है बॉडी, लेकिन चूंकि वो सर्कुलर मोशन में चल रही है तो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन चेंजेस, एंड सिंस द डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी चेंजेस, द वेलोसिटी चेंजेस द एक्सेलरेशन कम्स इनटू द पिक्चर एंड वी कॉल दैट मोशन एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये मैंने पहले ही बता दिया, वापस से वहां देख लेंगे। अभी एक ये आता है थंडर और लाइटनिंग में आपको पहले क्या दिखाई देगी, अरे जब बादल गरजता है तो पहले क्या दिखाई देती है, पहले मेरे ख्याल से दिखाई देता है ना, हाँ। तो दिस प्रूव्स कि भाई स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा तेज है, इसलिए हमारे आंखों तक वो पहले आ गई और साउंड बाद में आई, है ना। ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना, अपने ज़माने में 346 ऐसे कुछ है, 344 मीटर पर सेकंड की याद कर लो, और ध्यान रहे ये रूम टेम्परेचर पे है, 344 या 346 कुछ भी याद कर लो, और अगर उसमें याद करना है तो 1234 kmph। ये एक मेरे किसी दोस्त से SSB वाले ने पूछा था, SSB इंटरव्यूअर ने पूछा था, बेंगलोर आर्मी। कुछ रहा होगा ऐसा केस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछे रेंडमली, कुछ बात रही होगी उससे, कुछ ऐसा पूछा था, तो ये पता होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड। और अगर वैसे ये मुझे ना पता होता तो मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो जाता गेट में, क्योंकि मैंने 344 लेकर सॉल्व कर दिया, बट व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल चेंज,
और मुझे 344 याद आ गया, वो कुछ सुपरसोनिक वाला केस था। जैसे जब कम होता है तो सब सोनिक फ्लो होता है, सुपरसोनिक फ्लो होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका स्पीड निकालने का, रूट के अंदर गामा आर टी। तो जो गिवन टेम्परेचर थी, मुझे उस टेम्परेचर पे पहले स्पीड निकालनी चाहिए थी और फिर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए था, है ना, एनर्जी इक्वेशन लगा के। लेकिन मैंने क्या किया, 344 लेके सॉल्व कर दिया और आंसर गलत आ गया। यहाँ गामा जैसे एयर के लिए मोनोटॉमिक गैस नहीं, डायटॉमिक गैस है, एयर के लिए हो जाएगा गामा 1.4, मोनोटॉमिक नहीं 1.67 होगा मोनोटॉमिक के लिए। और गामा 1.33 होता है ये मोनोटॉमिक के लिए, ये डायटॉमिक के लिए, ये शायद पॉली या ट्राई के लिए। डायटॉमिक में नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, एयर हो जाए, इसकी वैल्यू गामा 1.4 होती है। आर कांस्टेंट होता है 8.314, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किलो जूल पर केजी केल्विन या किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। टी इज टेम्परेचर, ऑलवेज पुट इन केल्विन, ये आपका काम का नहीं है। आज भी कोई, तो हमने देखा स्पीड ऑफ साउंड याद कर लेना, 344 346 एट रूम टेम्परेचर। एक्सेलरेशन, अब आपको पता है सिंपल सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। बाइक में हमने सबने किया है, अब तो इतने बड़े हो समझाने की जरूरत है नहीं। तो एक्सेलरेशन को हम दिखाते हैं dv/dt। अच्छा, जिन्हें ये डी ऑपरेटर नहीं पता, तो हम एक स्मॉल चेंज को हम डी ऑपरेटर से दिखाते हैं, कोई ऐसे dd काट मत देना यार। या फिर इसको कैसे लिखना हो, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं v-u/t। चेंज मतलब v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, जो चेंज हुआ पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, ये कब एग्जिस्ट करेगा? एक्सेलरेशन तब आ रहा है जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्या हो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी इसकी अब चेंज ही नहीं हो रहा, बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तभी तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, कभी बढ़ रहा है कभी तेज हो रहा है ना। अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होता है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या अगर उस वेलोसिटी के अगेंस्ट में हो रहा है, दिस इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, या तो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन कह देते हैं इसी को। जब ऐसे करो एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी वाले डायरेक्शन में ही, और अगेंस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो रहा है गाड़ी जब रोकेंगे। अब एक बात आती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन तो समझ आ गया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का साफ साफ मतलब है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब जो वेलोसिटी वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वो बड़ा यूनिफॉर्मली कर रहा है ना, ये नहीं कि ठक ठक। वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब पहले एक सेकंड में जितना एक्सेलरेशन वो कर रहा है, मान लो कि 5 m/s² से, अच्छा यूनिट देख ही लो, यूनिट क्या होता है dv/dt, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगले एक सेकंड में भी फिर से इतना ही एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ेगी एक्सेलरेट कर रहा है, जो एक्सेलरेशन का रेट है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर ऐसा ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद आप भूल गए, जो कि आपको याद रखनी चाहिए, फ्री फॉल कैसा केस है? तो फ्री फॉल एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे? देखो फॉर्मूला आपको पता होगा, v=√2gh, है ना। अगर ना भी पता हो तो जैसे ये है, ये क्यों रुक रुक के चल रही है पेन? अब जैसे फ्री फॉल मतलब बॉडी इनिशियली आपने छोड़ दी ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, आपने धक्का नहीं लगाया, फ्री फॉल है। अब बॉडी यहाँ के रुक जाएगी तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? हाइट मान लेते हैं h, तो v²=u²+2as होता है, h कह देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, h ले रहा हूँ, u ज़ीरो, और एक्सेलरेशन कितना लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगी, नीचे है तो पॉजिटिव लेंगे, अगेंस्ट होती है तो नेगेटिव लेते हैं, यानी v²=2gh, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यानी v² हटा रूट लग गया।
ठीक नए आदत ऐसे निकाल सकते हैं, पर फ्री फॉल का लोगों को याद ही रहता है जिस हाइट से गिवन है ये फॉर्मूला लगा देते थे हम लोग बचपन में। और हाँ तो अब देखो इस थ्रू आउट फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.81 इफ कैलकुलेटर इज अलाउड। इन इंजीनियरिंग एग्जाम्स वी यूज 9.81 क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है तो वैल्यू बहुत एग्जैक्ट देनी पड़ती है। ठीक है तो जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू फ्री फॉल में क्या है, जी ए इक्वल टू जी लिखना चाहिए मुझे। तो यहां पे एक ऐसा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जब छोड़ोगे तो देखो वी चेंज होता जा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है। तो पहले धीरे आएगा फिर इतनी तेजी से बढ़ने लगेगा और जैसे यहां पहुंच जाएगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड की ये वेलोसिटी है। ऐसा मत सोचना कि यू भी जीरो वी भी जीरो, जो कि मैं सोचता था बचपन में कि यार शुरू होगा तो भी जीरो यू जीरो और फाइनली आके उसने रुक जानी है तो फिर से भी जीरो, मगर ऐसा नहीं है, हम वहां जस्ट पहले की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो वी हो गया। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि फ्री फॉल के केस एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है बस अब ये ग्राफ देखो, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पहले देख लेते हैं। देखो अगर ऐसा बने तो यानी देखो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा ना हो, डिस्टेंस टाइम बना रहा हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, इसमें क्या बराबर था, और क्या हो सकता है, मान लो ऐसा हो जाए। अभी देखो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ना, तो देखो क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं हो रही, डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं हो रही, इसका मतलब बॉडी कहाँ है, खड़ी है, बॉडी रेस्ट पे, ऐसे समझ सकते हो। वेलोसिटी टाइम पे देखो ऐसे ग्राफ बन सकता है, अगर ये हुआ ठीक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी हर इंटरवल पे यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ये सब याद थोड़ी करना है, बस ग्राफ समझ आना चाहिए। देखो वेलोसिटी अगर 40 है मान लो, तो देखो 40 ये टाइम के बाद, तो जब वेलोसिटी को बढ़ा ही नहीं रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। इस वाले केस में क्या था, वो वेलोसिटी बढ़ाया जा रहा है टाइम के साथ, बढ़ाया जा रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर ऐसे रेंडमली बढ़ा दे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें एक चीज याद रखो जो मैंने अपने टाइम याद रखी थी ग्राफ में, कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, बात साफ। यहाँ पे मैं स्लोप लिख देता हूँ, स्लोप को हम वाई बाय एक्स कहते हैं, वाई बाय एक्स, जो वाई एक्सिस पे हो डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पे, जो इसका अपोजिट कर दो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जो वेलोसिटी होगी, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्या एरिया, इधर एरिया और इधर निकालोगे तो स्लोप। इसको मैं दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर यहाँ पे आपने स्लोप निकाला यानी कि वी बाय वाई बाय एक्स, वाई पे क्या है डी है, तो डी बाय डी क्या हो जाएगा वेलोसिटी है ना, आपने क्या निकाला है स्लोप, स्लोप इज अ वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। इसी तरीके से जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे रहोगे तो स्लोप निकाल दो इसका किसी भी पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगा यानी वी बाय टी, वाई बाय एक्स करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर आप एरिया निकालोगे इनका, उल्टा चलते हैं, पहले वेलोसिटी टाइम ले लेते हैं,
वेलोसिटी टाइम पे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने, चलो पूरा ही मान लेते हैं ठीक है, आपने एरिया ले लिया इस पॉइंट तक। अब एरिया देखो, अगर मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूँ तो कंफ्यूज कर सकता हूँ। याद करो एरिया अंडर द इंटीग्रल, टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या? अब अगर मैं एरिया इस एक्सिस पे निकाल दूँ तो ध्यान रहे वो अलग आ जाएगा, क्योंकि तब y डॉट डी एक्स की जगह वो x डॉट डी वाई का इंटीग्रल हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखो यार, कंफ्यूजन क्यों करना मुझे। ऑलवेज टेक द एरिया ऑन टाइम एक्सिस, है ना, क्योंकि आप ले तो इधर भी सकते हो ना एरिया, तो ऑलवेज टेक द एरिया ऑन द टाइम एक्सिस। तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम पे क्या मिल जाएगा, देखो वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता था, और एरिया क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये इसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये वाला, ये याद रखना बस। वेलोसिटी है तो हम डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं हमेशा। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, हालांकि शायद ये आए ना, ये मेरे ख्याल से नहीं है, पर एक्सेलरेशन टाइम का आप ग्राफ लोगे तो क्या देगा। अच्छा इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, एक मिनट में वेरीफाई कर ही लूँ। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं। वेलोसिटी टाइम में यार ये कैसे रुक रुक के चल रहा है, मान लो ये लाइन है और मैंने ये एरिया निकाल दिया, यानी v इंटू टी हो जाएगा। v इंटू टू टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी। हाँ तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ठीक। और अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम पे ले लूँ इसका एरिया, तो ये हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ का एरिया लेता हूँ, रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, ए इंटू टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए इंटू टी का मतलब v माइनस यू। हाँ चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, और इनिशियल अगर आप जीरो मान लोगे तो सीधा वेलोसिटी दे देगा ठीक। ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्लोप लोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप लोगे तो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन टाइम का एरिया लोगे तो वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, अगर मान लो इनिशियल जीरो है तो सिंपली वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का एरिया लोगे तो डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। और जिसको वेरीफाई करना है वो एरिया ले लोगे तो तुम्हें वापस से यही फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको ये मत कहना एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप क्यों नहीं ले रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप आप लोगे तो वो मिल जाएगा जर्क, जो कि काम का नहीं है, डी ए बाई डी टी, इसको हम कहते हैं जर्क। या आप पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉम एक सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन, वहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कैम एंड फॉलोअर के आसपास या वाइब्रेशन के आसपास, जर्क, जिसका हमें काम नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ये। तो जो काम का है केवल यही याद करते हैं, जो उसके न्यूमेरिकल है वो मैं कहाँ है न्यूमेरिकल, वो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा अगले वीडियो में, जब हम PYQ करेंगे तो मैं कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, जिससे कि आप कभी भी इन मोशन वाले इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तीन इक्वेशन आपको पता है, और जिसने जैसे बचपन में याद की थी वैसे याद कर लेना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज़ अ फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज अ टाइम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इज अ डिस्टेंस, s इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी लेना ना डिस्प्लेसमेंट, इसको स्मॉल एस लिखना चाहिए था पर ठीक है। ये हो गए तीन इक्वेशन, न्यूमेरिकल मैं कभी करा दूंगा, पर ऐसे देख लो। एक बार मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी था कि अगर कभी ऐसा बोलता है कभी कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब यू ऑफ जीरो ले लेना ठीक, क्योंकि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वो खुद ही कह रहा है, और अभी उस कार की स्पीड इतनी है तो जो भी गिवन स्पीड हो वो आपकी वी हो जाएगी फाइनल। अगर कभी ऐसे बोलता है, ये तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट की बात है, कि एक कार जा रही थी इतनी स्पीड से एंड इट अप्लाइज द ब्रेक, या इट डी एक्सेलरेटेड एंड केम टू रेस्ट, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि भाई फाइनल वाली जीरो है, तो जो गिवन वेलोसिटी है उसको यू मान लेना, कब, जब लगा रहा हूँ ब्रेक लगा रहा हूँ, या केम टू रेस्ट बोले स्टार्ट, ये क्या हो जाएगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
हालांकि अब ये छोटी चीज़ लग रही है, पर नाइन्थ क्लास के टाइम मैं तो कंफ्यूज होता था कि मैं सोचता था गाड़ी चली है तो यू ज़ीरो, और अब जब गाड़ी चल चुकी है तो कभी रुकेगी भी तो कि कब तक चली जाएगी, तो यू भी ज़ीरो लेता था, मैं वी भी ज़ीरो लेता था, आंसर कुछ भी आ जाता था साला। अब देखो फाइनल चीज़ बड़ी जल्दी से देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज़ अ सर्कुलर मोशन, ठीक यूनिफॉर्म है इसका मतलब जो स्पीड है वो सेम। लेट सपोज ये एक्स, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा होगा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रहा है, क्योंकि नाम नहीं कह दिया कि ये यूनिफॉर्म है। When an object moves in a circular path with uniform speed, it is known as uniform circular motion. अब देखो क्या इसकी velocity change हो रही है, देखो किसी भी point पे जब आप इसका tangent draw करोगे तो वो उसकी velocity दे देगा, और हर point पे इसकी velocity change हो रही है। velocity क्यों change हो रही है, velocity change होने का क्या किस्सा बताया था, या तो speed change हो या तो direction change हो या तो दोनों change हो, तो हालांकि speed change नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी चेंज नहीं है, वेलोसिटी चेंज है क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। स्पीड मानता हूँ मैं 5 है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। यही थी कहानी कि क्या यह एक्सेलरेटेड मोशन है, हाँ, क्या फ्री फॉल एक एक्सेलरेटेड मोशन है, हाँ वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था, और यहाँ पर भले ही यूनिफॉर्म है स्पीड उतनी है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी। बेसिक फॉर्मूला आप देख सकते हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्या होता है बुक में दिया है पर कोई मतलब नहीं है, स्पीड जो भी आपको निकालनी है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक सर्कुलर मोशन में, उसका सरकमफेरेंस दैट इज पाई डी या फिर 2πr अपॉन जो भी टाइम मिल जाए, तो ये याद करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ये तो बचपन वाली चीज़ें हैं सिंपल सी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो किया है और क्या किया है। और अब तो यानी किसी भी पॉइंट पे जब आप इसके लाइन खींच देते हो टेंजेंट, वेलोसिटी आती है। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि अगर आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जो कि शायद फिर अभी काम करनी है। तो अंदर की ओर जो एक्सेलरेशन लगता है वो है सेंट्री पेटल एक्सेलरेशन, और बाहर की ओर लगता है सेंट्री फ्यूगल एक्सेलरेशन। याद कैसे करोगे, पीतल, पीतल अच्छी चीज़ है, सॉरी, तो हम उसे हम चाहते हैं कि अंदर घर में रख लें, वो सेंट्री पीतल, पीतल अंदर ले चल टूवर्ड्स द सेंटर, और जो एक्सेलरेशन बाहर लगता है वो है सेंट्री फ्यूगल, फ्यूगल मीन्स पागल, पागल है, उसको भगा दो घर से बाहर, तो सेंट्री फ्यूगल एक्सेलरेशन। दोनों बराबर ही होगा जाहिर सी बात है, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, शायद सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है, और वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर कट गया, आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, वेयर आर इज दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और वी इज योर लीनियर वेलोसिटी, ये जो गिवन है। यार तक ये मत पढ़ो, अगर कन्फ्यूजन हो रही है किसी को तो सिंपली ये पढ़ो, या ये फॉर्मूले वाला पार्ट तो मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और एक दो फिज़िक्स की यूनिट और हम कराएंगे, और उसके बाद जो मेजर चीज़ें हैं इधर वाले सब्जेक्ट की जैसे कि पॉलिटी और ज्योग्राफी, हम उसकी ओर बढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे इन सब्जेक्ट्स को भी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।